स्वतंत्रता पूर्व के राजपुताने की जयपुर रियासत का गांव खरेड़ा। टोडा राय सिंह तहसील का यह गांव आज टोंक जिले के अग्रणी शिक्षित ग्राम के रूप में पहचान रखता है। सरकारी हो या निजी क्षेत्र, यहां के निवासी बड़ी संख्या में कार्यरत हैं, अपनी पहचान रखते हैं। यही ग्राम जन्मभूमि है यशस्वी साहित्य साधक शंभू सिंह राजावत अल्पज्ञ की। मैंने अपनी शिष्टमंडली में अशुद्ध ऋचा का पाठ बोला, उसी समय उनकी पत्नी सुजाता के मुख से ये वचन निकले कि आज आप वेद की ऋचा का अशुद्ध उच्चारण कर रहे थे, सावधानी बरतिए अन्यथा आपके शिष्य जगत में उपहास के पात्र होंगे। आपका जन्म 3 जुलाई 1938 में इसी खरेड़ा के गढ़ में हुआ। सरल व्यक्तित्व पिता ठाकुर किशोर सिंह जी व धर्मपरायण माता जोरावर कंवर ने जन्म के समय यह कल्पना भी ना की होगी कि राजपूती परिवेश व संस्कार से इतर उनका सुपुत्र साहित्य लेखन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित होगा। किंतु होनहार बिरबान के होत चिकने पात वाली कहावत चरितार्थ हो गई। पिता को पुत्र के प्रारंभिक लक्षणों से ही बालक के पढ़ाई के प्रति विशेष रुचि दृष्टिगोचर हो गई। पिता ने पहले निकट के कस्बे टोडा राय सिंह में प्रारंभिक स्कूली शिक्षा का प्रबंध किया। स्कूली शिक्षा के बाद पिता ने राज्य की राजधानी जयपुर में महाराजा कॉलेज में प्रवेश दिलवा दिया, किंतु उसी दौरान पिता ठाकुर किशोर सिंह जी अस्वस्थ हो गए और वो जयपुर से लौट आए। उनके लिए उच्च शिक्षा से अधिक पिता के पास रहकर उनकी सेवा महत्वपूर्ण थी। पिता की सेवा व परिवार के आर्थिक संबल के लिए शिक्षक बनकर अपने जीवन यात्रा की दिशा उन्होंने सुनिश्चित कर ली। अल्पज्ञ का विवाह केकड़ी अजमेर के पास के ग्राम सापणदा के ठाकुर संग्राम सिंह जी राठौड़ की सुपुत्री रतन कंवर के साथ हो गया। ठाकुर संग्राम सिंह जी राठौड़ स्वयं हिंदी साहित्य के समर्पित साधक थे। उन्होंने दाशरथी नामक महाकाव्य की रचना की थी, जो शीघ्र ही उनके पुत्र श्रीनाथो सिंह जी राठौड़ के प्रयासों से प्रकाशित होने जा रहा है। अपने ससुर साहब ठाकुर संग्राम सिंह जी राठौड़ के प्रखर साहित्यिक व्यक्तित्व का भी शंभू सिंह जी राजावत अल्पज्ञ पर गहरा प्रभाव पड़ा। साहित्य संस्कार वाली जीवन संगिनी के स्थायी सानिध्य से उनके शिक्षा सेवा के साथ लेखन को भी गति मिली। धर्म पत्नी रतन कंवर उनकी हर रचना की प्रथम श्रोता व टिप्पणीकार रही। सरकारी सेवा के साथ ही अल्पज्ञ ने अपनी आगे की शिक्षा भी जारी रखी और उन्होंने हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर किया। शनै शनै सुपातर पुत्र, समर्पित शिक्षक, समाज के पथ प्रेरक के साथ एक लेखक व कवि के रूप में आपकी पहचान अब जिले के सीमा से बाहर तक पहुंचने लगी। मैं 58 में हायर स्कूल पास करके, बोर्ड भी नहीं था उसमें, तो हायर स्कूल पास करके मेरी मतलब ऐसा है कि नियुक्ति हो गई थी 1857 को। अच्छा, तो उसके एक साल बाद की है ये कविता। वाह, क्या बात। तो क्या साहब, ये ऐसा कि ओस होता है कि जब फसलें उग जाती है खेतों के अंदर, तब सर्दी के अंदर मतलब होता है कुछ पानी की बूंदें मतलब है उस पर हो जाती है, उसको मतलब क्या, अरे इन हरे रे पत्तों पर, अरे इन हरे रे पत्तों पर किसने बिखेरे हैं ये मोती, अरे इन हरे रे पत्तों पर किसने बिखरे मिलती, है कौन करता कारीगरी जब दुनिया सारी सोती, है कौन करता कारीगरी जब दुनिया सारी सोती, आज कौन सा जोहरी लुटा गया मोतियों का खजाना, आज कौन सा जोहरी लुटा गया मोतियों का खजाना, पत्तों पर और फूलों पर बिखरे हैं मोती नाना, पत्तों पर और फूलों पर बिखरे हैं मोती नाना, है कौन रातों रात ही गुथ गया मोतियों की कड़ियाँ, है कौन रातों रात ही गुथ गया मोतियों की कड़ियाँ, किस खुशी में वह इनको पहना गया मोतियों की लड़ियाँ, किस खुशी में वह इनको पहना गया मोती की लड़कियाँ, सुंदर कितने लग रहे हैं ये पहन कर इनको, चाहता है मेरा मन ले चलूं घर इनको, चाहता है मेरा मन ले चलूं घर इनको, इन सुंदर मोतियों को लेने की मैंने ठानी, इन सुंदर मोतियों को लेने की मैंने ठानी, हाथ बढ़ाया लेने को तो हुए ये पानी मोती से पानी, हाथ बढ़ाया लेने को तो हुए ये मोती से पानी। स्वतंत्रता के बाद वो काल शिक्षा प्रसार का प्रारंभिक दौर था। गांव के स्कूल भवन के लिए ग्रामीणों के आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती थी। शिक्षक शंभू सिंह राजावत ने
उस दौरान अभिनव प्रयोग किए। वो स्वयं सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों पर नाटक लिखते और छात्रों और सहयोगी शिक्षकों के माध्यम से उन्हें आसपास के गांवों में मंचित करते और उसके माध्यम से धन संग्रह कर शाला भवन का निर्माण करवाते। ये उनके समाज के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज मारी माँ बीमार से, मारी माँ जो मां जिसे मिनखा नहीं नहीं, मारी माँ जो मां जिसे मिनखा नहीं, कतराई भगवान और देवता ने भी जन्म दियो छे, कतराई भगवान और देवता ने भी जन्म दियो छे, वह आज बीमार छे मारी माँ, वह आज बीमार छे मारी माँ। बर्फीला डूंगर से ऊंडा सागर तई, बर्फीला डूंगर से ऊंडा सागर तई, लंबा खटोला पर पड़ी दुख झेल रही छे, लंबा खटोला पर पड़ी दुख झेल रही छे। कहता मने लाज आवे छे, कहता मने लाज आवे छे, मारा घना समझदार होशियार भाई, मारा घना समझदार होशियार भाई, दुआई में जहर घोड़वा में लाग रहा छे, दुआई में जहर घोड़वा में लाग रहा छे। उसी दौरान लिखे उनके नाटक चार आंखियां रो मिनख को राजस्थानी भाषा अकादमी बीकानेर द्वारा प्रकाशन सहयोग मिला, जिसका विमोचन विख्यात लेखिका इस्मत चुगताई द्वारा हुआ। अल्पज्ञ के लिए लेखन कोई शौक नहीं था, वो लेखन के संस्कार उनके व्यक्तित्व में ही थे। पर्व त्योहार हो या किसी का जन्मदिन या खुशी का अवसर, अल्पज्ञ की शुभकामनाएं सदैव कविता के रूप में प्रस्फुटित होती थी। अल्पज्ञ की प्रथम रुचि लेखन अवश्य थी, किंतु उन्होंने अपने सरकारी व सामाजिक दायित्वों में कभी कमी न रखी। समयबद्धता व वचनबद्धता के लिए वे सदैव सजग रहते थे। सरकारी सेवा काल में अपने प्रौढ़ शिक्षा व नवाक्षरों के लिए बहुत कार्य किया। उनके वरिष्ठ अधिकारी व सहयोगी आज भी उनकी सेवाओं की प्रशंसा करते हैं। बाल्यकाल से लगाकर मैं लंबे समय तक उनके साथ रहा, साथ ही उनका सौम्य स्वभाव, सहनशीलता एवं साहित्य सेवा, ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता, ये अद्वितीय नहीं थी। समूह सिंह जी राजावत हमारे परिवार में से ही, जो मेरे बाबूसा लगते थे, हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया। कई रचनाएं उन्होंने लिखी, प्रथम गीता राजस्थान में अनुवाद करके उन्होंने गीता का सरलीकरण करके आम जन तक पहुंचाया। मुझे स्नेह देते, हम पिछले 3 साल से लगातार पत्र विधा पर काम कर रहे हैं। आदरणीय बाबूजी ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर कई पत्र लिखे, चाहे होली हो, दीपावली हो, नववर्ष हो, मेरा जन्मदिन हो, वो हाथ से लिखा हुआ पत्र मुझे भेजते थे और मेरे पास आज भी उनकी धरोहर सहेज करके रखी हुई है। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा में जिले की प्रथम पुस्तक बोलता आखर लिखी, जो जिले के प्रौढ़ शिक्षकों व नवाक्षरों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज थी। कालांतर में उनका निवास यह भवन शिवकुटिर रहा। यहीं उन्होंने अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहकर साहित्य सृजन किया। साहित्य सृजन उनके लिए ऑक्सीजन था, तो परिवारजन का संग उनकी ऊर्जा का स्रोत था। पांचों पुत्रों, पुत्रियों, पुत्रवधुओं के साथ अगली पीढ़ी के साथ ही उनकी खुशियों का संसार था। हमेशा से सबकी समस्या को अपना समझ उसका हल किया करते थे और जब तक समस्या का हल नहीं मिल जाता तब तक उसी के बारे में विचार करते करते पता नहीं कितने चौक के चक्कर लगा लिया करते थे। भगवान की आराधना में हमेशा विलीन रहा करते थे तो रोजाना शंकर भगवान के बीलपत्र चढ़ाया करते थे। सादगी से व्यक्ति थे, साधारण सा हस्तशिल्प कुर्ता पजामा पहना करते थे, माथे पे चंदन का टीका लगाए और हाथ में रुद्राक्ष की माला में विलीन रहा करते थे। हमेशा से अपनी बात रखा करते थे तो दूसरों की भी सुना करते थे और स्वयं अगर गलत हो तो अपनी गलती स्वीकार लिया करते थे। जटिल शरीर और हृदय से एकदम नरम और हिम्मत हमेशा रखा करते थे, पर जब बात परिवार या भावनाओं पर आती तो हमेशा आंखें नम कर दिया करते थे।
अपने आप को कलम और पुस्तकों में समर्पित कर स्वयं को अल्पज्ञ कहा करते थे, साधारण से व्यक्ति थे, उच्च थे उनके विचार, हमेशा से करते थे अपने परिवार से प्यार। सेवानिवृत्ति के बाद अल्पज्ञ पूर्णतया लेखन को समर्पित थे। उन्होंने लेखन में गद्य व पद्य, हर विधा, कहानी, कविता, नाटक, निबंध, संस्मरण आदि में पूर्ण अधिकार के साथ कार्य किया। हिंदी लेखन के साथ उन्होंने मायड़ भाषा राजस्थानी में मौलिक साहित्य सृजन के साथ अनुवाद का कालजयी कार्य किया। राजस्थानी गीता, दुर्गा सप्तशती, मूल रामायण, मूल भागवत, अष्टादश श्लोकी गीता, श्री राम रक्षा स्त्रोतम, जैन भक्तांबर स्त्रोत जैसी कई पुस्तकों का राजस्थानी अनुवाद के साथ रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का भी उन्होंने राजस्थानी में पद्य अनुवाद किया। गीतांजलि की आपने हिंदी में व्याख्या भी लिखी है, जिसका विमोचन राजस्थान की तत्कालीन राज्यपाल मार्गरेट अल्वा ने किया। विगत में आप द्वारा लिखित राजस्थानी गीता का विमोचन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत द्वारा हुआ। आध्यात्मिक व पौराणिक विषयों की रचनाएं उनके गहन आध्यात्मिक व्यक्तित्व को दर्शाती है। आदि शंकराचार्य के पौराणिक ग्रंथ प्रबोध सुधाकर, तमिल के कवि संत तिरुवल्लुवर के ग्रंथ तिरुकुरल का हिंदी व राजस्थानी में पद्य अनुवाद अल्पज्ञ के लेखन साधना के महत्वपूर्ण सोपान है। लेखन की सतत यात्रा में साहित्य की हर विधा में 100 से अधिक छोटी बड़ी पुस्तकों की उन्होंने रचना की, जिनमें कई प्रकाशित हुई और कई प्रकाशन की बाट जो रही हैं। ये आपकी लेखन की अतुलनीय क्षमता दर्शाती है। किसी सम्मान व यश की क्षण मात्र की आकांक्षा न रखते हुए उनकी कलम नित नए विषयों व विधा में सदैव सृजनरत रही। या नी है बिनती भारी, आपस में मने बचाजे तू, आपस तू कदी डरूनी मुँह, आपस तू कदी डरूनी मैं, कर सके तो या कर दे तू, आपस तू कदी डरूनी मुँह, कर सके तो या कर दे तू। दुखरी पीड़ा सू जट डोले मन, दुखरी पीड़ा सू जट डोले मन, तभी मत बंदाजे तसली तू, दुखरी पीड़ा सू जट डोले मन, तभी मत बंदाजे तसली तू। पण दुख जीतने की ताकत दे सके, पण दुख जीतने की ताकत दे सके तो मन दीजिए तू, तो मन न दीजिए तू। बहुत बढ़िया, दुख जीतने ताकत, भले ही भीड़ू मारा जी, भले ही भीड़ू मारा मारी मदताई नहीं जुटे, भले ही भीड़ू मारा मारी मदताई नहीं जुड़े, पण मारा मनरो बल कदी नहीं टूटे, पण मारा मनरो बल कदी नहीं टूटे। भले ही दुनियारा धंधा, भले ही दुनियारा धंधा, सदा मन देव हाण, सदा मन देव हाण, या जगरा लोग भी मारी करे खिचाताण, या जगरा लोग भी मारी करे खिचाताण, पण मन मारो कदी भी माने नहीं अपनी हार, पण मन मारो कदी भी माने नहीं अपनी हार। तू देश कह तो दीजे मने मंदिर ताकत हर बार, तू देश कह तो दीजे मने मंदिर ताकत हर बार। मुझे अब्दुल कलाम साहब के बाद में अगर कोई शख्स सबसे ज़्यादा याद आता है जिसने आखिरी वक्त तक अपना काम किया, साधना जारी रखी, उनमें से एक स्वर्गीय शंभू सिंह जी राजावत थे, जो बीमार होने की उस स्थिति में भी लगातार अपना सृजन कर रहे थे। और जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई, जब भी वो जयपुर आते या जब भी कभी मुलाकात होती, तो पता चलता है कि इस दौरान उन्होंने ये 3 किताबें लिख दी या 2 किताबें लिख दी या अब आगे इस पर लिखने जा रहे हैं। तो साहित्य का ऐसा साधक मैंने नहीं देखा, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनको समझने का, उनका स्नेह हासिल करने का, उनका आशीर्वाद लेने का लगातार मौका मिलता रहा। और जाहिर है उस वजह से सबसे ज़्यादा मिस भी हम उनको करते हैं। वो जिस स्नेहिल भाव से मिलते थे, जिस तरह से बाहों में भर लेते थे, वो ऐसा लगता था जैसे पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर बरस गया। साहित्य के लिहाज से देखें तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, समाज के हिसाब से देखें तो उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। वो हर उम्र के लोगों के बीच में अपने आप को फिट पाते थे, छोटे बच्चों से उस तरह से बात करते थे, बराबर के लोगों से उसी अंदाज में बात करते थे, और उनकी सहजता और सरलता ऐसी थी कि जब भी उनकी याद आती है आंखें नम हो जाती है। सच कहूँ तो
साहित्य का साधक ऐसा मैंने नहीं। मैंने 1975 में उनके चरणों में बैठ करके शिक्षा प्राप्त की है। उनकी सृजनशीलता, उनकी कल्पनाशीलता, उनका लेखन, उनका सृजन, शिष्यों के प्रति उनका प्रेम, परिवार के प्रति उनका कर्तव्य परायणता, हर क्षेत्र में वो बिल्कुल खरे उतरे हैं। बहुत बड़े शिक्षाविद थे और शिक्षा के साथ साथ साहित्य सृजन में उनका कोई सानी नहीं था। उनका पूरा व्यक्तित्व इतना विराट था कि उनको चंद शब्दों में समेटना बड़ी मुश्किल है। उन्होंने अपने जीवन में 80 से अधिक पुस्तकें लिखी और सबसे बड़ा ताज्जुब यह है कि उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद कम से कम 60-70 पुस्तकें लिखी, जिसमें धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद है। मानजोग शंभू सिंह जी राजावत साहब आखिर राजस्थान री एक हस्ती हा, हिंदी और राजस्थानी साहित्य रामायण बे आपरो मेहताऊ समय दियो और अनेकों रचनावां रची। मारे जीवन रो सौभाग्य रियो कि मैं बाऊ सगड़ों पहली दूरदर्शन रे एक कार्यक्रम में मायने मारी मुलाकात हुई। दूरदर्शन रे कार्यक्रम में मारो और राजावत साहब रो सागरी काव्य पाठ हो मन लाग्यो कि बे एक चालती फिरती संस्था है। मारो सौभाग्य रियो कि बाका जीवन रा अनेक पहलुओं माथे मारी बिदिन माऊ बात हुई। एक ऐसा व्यक्ति जका निष्काम सेवारा साधक हा, मैं देखूं बाकी यात्रा ने तो लागे कि बे लेखन रे मायने काव्य नाटक अनुवाद कहानियां पौराणिक आख्यान ऐतिहासिक बाता धर्म रे मायने देखा तो 40 जीवन प्रसंग मोकड़ी चीजा साहित्य क्षेत्र मायने बे हरेक तरह रो काम शंभू सिंह राजावत साहब करियो और आपने जीवन रे मायने बहुत मेहताऊ चीजा इस समाज ने देर गया। मांगो स्वभाव एक संत स्वभाव हो, साहित्य रामायण जिकी बातें में लिखी है पित अनुरूप ही बे आपने जीवन ने जियो। किसी अलंकारिता के मोह से मुक्त, उनकी लेखन शैली या भाषा जन सामान्य की सरल भाषा रही। अपनी मायड़ भाषा के प्रति उनका अनुराग और उसकी मान्यता प्राप्ति की आकांक्षा उन्हें सदैव अवश्य रही। उन्होंने कई बार अपनी ये पीड़ा अपने शब्दों में व्यक्त की। अपनो हक पावण दा आज बिलख है मायड़ भाषा मारी, अपनो हक पावण ना आज बिलख है मायड़ भाषा मारी। शासन रा आसन पर बैठ्या, शासन रा आसन पर बैठ्या, नेता नहीं सुने बात मारी, नेता नहीं सुने बात मारी। हे वाणी री महाराणी कर कृपा, सुनो अर्ज मारी। जय बिराजो वारा घट में, जय बिराजो वारा घट में, जो शासन री करे ठेकेदारी, जो शासन री करे ठेकेदारी। माँ एड़ी बुद्धि जेवान जो वे करे राजस्थान री तरफदारी, माँ एड़ी बुद्धि जेवान जो करे राजस्थान री तरफदारी। जिसु अपनो हक अब तो पास कर मायड़ भाषा मारी, बात तो जान है ना जोरा 10 करोड़ री लाचारी, माँ राजस्थानी अब तो। अल्पज्ञ की मिलनसारिता व सरलता हर किसी को उनका प्रशंसक बना लेती थी। राज्य के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हों या उनका निकटतम गुणीजन, सब उनके व्यक्तित्व कृतित्व को श्रद्धा से स्मरण करते हैं। प्रभु की रत कछु कही न जावे, का सूरज को दीप दिखावे। श्रद्धेय शंभू सिंह जी राजावत, अल्पज्ञ के साहित्य, उनके व्यक्तित्व की बात करें तो ये कहावत चरितार्थ होती है। आप लेखने के जितने यशस्वी योद्धा रहे हैं, उतने ही व्यक्तित्व के सरल और विनम्र। मुझे 15 वर्ष के लगभग आपका प्रेरणास्पद सानिध्य प्राप्त हुआ है। इन 15 वर्षों में मैंने उनमें हर पल साहित्य के लिए लेखन के प्रति एक ललक या कहें अपरिमित भूख परिलक्षित हुई है। जैसे दुर्गा सप्तसती, जैसे आदि शंकराचार्य का ग्रंथ प्रबोध रत्नाकर, जैसे श्रीमद् भगवत गीता, उन रचनाओं को उन्होंने राजस्थानी के अंदर पद्य में अनुदित करके सामान्य पढ़े लिखे पाठक के लिए
उन रचनाओं से परिचित होने, उन रचनाओं का पाठ करने और उन रचनाओं के अंदर रचनाकारों के माध्यम से जो संदेश दिया गया है उस संदेश को ग्रहण करने का जो अवसर उपलब्ध कराया है, मैं समझता हूं कि यह कार्य अपने आप के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण था। और सबसे बड़ी बात यह कि एक रचनाकार का जो धर्म होता है कि वह ऐसा कुछ लिखे जिससे कि पाठक वर्ग लाभान्वित हो, इस दृष्टि से शंभू सिंह जी ने जो रचनात्मक कार्य किया वह बहुत सराहनीय है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग इस संस्थान से जुड़कर के शंभू सिंह जी के प्रति हमारा जो श्रद्धा भाव है, हमारा जो आदर है, उस आदर की अभिव्यक्ति करेंगे। गृहस्थ जीवन जीते हुए भी एक संत सा जीवन आपने जिया। सादा जीवन, उच्च विचार उनके जीवन का मूल मंत्र रहा। सदैव एक छोटा सा बैग अपने साथ रखते, उसी में उनकी लेखन सामग्री रहती। जब भी समय मिलता वो अपनी लेखन साधना में लग जाते। उनके लिए ना विशेष स्थान और समय की आवश्यकता होती, ना किसी मूड की। वो सहजता से स्थान देखकर अपने लेखन में जुट जाते। सिंह जी के बारे में जितना भी कहा जाए मुझे लगता कम है। शिक्षा सेवा से वो सेवानिवृत्त हुए, लेकिन मुझे लगता है कि ता उम्र उन्होंने शिक्षा के संस्कारों को जिया है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये भी लगती है कि साहित्य का जो सृजन उन्होंने किया है वो विविधता लिए हुए है। उन्होंने काव्य रचे, गद्य में बहुत सारा लिखा है, और इसके साथ साथ हिंदी और राजस्थानी दोनों में उनकी जबरदस्त पकड़ रही है। मैं बल्कि ये भी मानता हूं कि जो कार्य उन्होंने किया है शंभू सिंह राजौत जी ने, वो काम बड़े रूप में आकलन की भी मांग करता है कि आलोचना की दृष्टि से उनके काम को वृहद स्तर पर देखा जाना चाहिए। मैं कई बार आश्चर्य भी करता हूँ इस बात को लेकर कि वो अपने साथ अल्पज्ञ लिखते थे, लेकिन जितना उनको पढ़ते हैं मुझे लगता है कि ज्ञान का पूरा अथाह सागर उनमें समाया हुआ है एक प्रकार से। और तिरुवल्लुवर जो बहुत बड़े संत तमिल के जो हुए हैं, उनपे तो उनका काम इतना अद्भुत है कि उसको देख कर लगता है कि मुझे लगता है कि राजस्थान के बल्कि बाहर भी किसी ने इतना कार्य नहीं किया होगा जितना शंभू सिंह राजौत जी ने किया है। उनके जो तमिल में तो आप सभी जानते हैं कि तिरुवल्लुवर जो है अपने आप में एक प्रकार से तुलसीदास जी की श्रेणी में उनका नाम लिया जाता है। और तिरुवल्लुवर जी ने जो लिखा है उसका मूल भी यही है कि व्यक्ति सेवा कार्य करे, परोपकार करे और अपेक्षा किसी रूप में नहीं करे। और उनके जो खंड काव्य जो है उन्होंने मुझे लगता है कि शंभू सिंह जी ने उन खंड काव्यों को अपनी रचनाओं में गहरे से जिया है। और उनकी व्याख्या जो उन्होंने की है तिरुवल्लुवर की जो है, मुझे लगता है उस व्याख्या पर भी बहुत गंभीरता से जो है ध्यान देने की जरूरत है। उनके नाटक ले लीजिए, चाहे खंड काव्य ले लीजिए, अनुवाद का जो जितना समृद्ध काम शंभू सिंह जी ने किया है या मौलिक जो काम जितना भी उन्होंने लिखा है वो एक बड़े रूप में जो है आलोचना की मांग करता है। मैं तो बल्कि उनके नमन करते हुए बात और कहना चाहता हूँ कि नई पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है कि एक व्यक्ति कितने कितने सारे काम जो है एक साथ कर लेता है। रचना धर्मिता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनका कार्य बहुत व्यापक है। एक समुद्र की तरह उन्होंने जो है अपने काम का विस्तार किया है। और यह बात फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि वो अल्पज्ञ लिखते थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस दौर के जो है राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। और जितना ज्ञान उनके पास है उनकी रचनाओं को देखकर लगता है वैसा कहीं अन्यत्र दुर्लभ प्राय है। भारत की गौरवशाली ऋषि परंपरा में कविवर शंभू सिंह जी राजावत अल्पज्ञ का जन्म हुआ और उन्होंने अपने लेखनी से एक ऐसे साहित्य का निर्माण किया, ऐसी रचनाओं का निर्माण किया जो अपने युग के का प्रतिनिधित्व करती हैं और जो शैली, तथ्य तथा सामग्री की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
श्री शंभु सिंह जी को की मृत्यु को उनका स्वर्गवास हुए एक वर्ष हो रहा है 30 अक्टूबर को। इस देह को उन्होंने नश्वर देह को उन्होंने इसी दिन अर्पित किया था, लेकिन लगता नहीं कि वे हमारे बीच नहीं है। उनकी ज्ञान गंगा पुस्तकों के माध्यम से निरंतर प्रवाहमान है, हम उससे लाभान्वित हो रहे हैं और मुझे उस व्यक्तित्व से इतना अधिक मिला है जो अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती और जो हमारे लिए गौरवपूर्ण है। इस माँ सरस्वती के वरिष्ठ पुत्र को मैं साधर श्रद्धा की अंजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा को परम शांति प्राप्त करे। मैंने शंभु सिंह जी के वैविध्यपूर्ण और महत्वपूर्ण साहित्य का अध्ययन किया है। वे कवि ही नहीं, वे अगम दृष्टा थे। उनकी विशाल चेतना शक्ति इन विविध पुस्तकों में परिलक्षित होती है। उन्होंने समाज को संस्कृति, काव्य का वैभव और जीवन का अनुकरणीय बहुत अधिक सामग्री प्रस्तुत की है, इसका हमें लाभ लेना चाहिए। मैं उनको बारंबार याद करता हूँ, उन्हें विस्मृत नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान से यही बारंबार प्रार्थना है कि वे युगों तक अपने इस काव्य के माध्यम से लोक में चर्चित रहें। 15 सितंबर 2020 को सहसा ही स्वस्थ व सक्रिय साहित्य के पुजारी श्री शंभु सिंह राजावत अल्पज्ञ की यशस्वी जीवन यात्रा का विराम हो गया। अल्पज्ञ के लेखन को पूर्ण विराम लग गया, किंतु उनकी साहित्यिक धरोहर समाज व हर युवा सृजन धर्मी को नई प्रेरणा ऊर्जा सदैव देती रहेगी। उनकी साहित्य सृजन को भी पूर्ण विराम अवश्य हो गया हो, किंतु उनके विचारों के प्रवाह की यात्रा सदैव अनवरत रहेगी। राजस्थान के इस अनूठे साहित्य साधक, संत, शिक्षाविद व समाज हितैषी को शत शत नमन।